हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। ठीक है, बढ़िया है। तो आज हम अपना डे थ्री स्टार्ट करते हैं, और डे थ्री में आपको पहले हम सबसे पहले डे टू के जो आपको क्वेश्चंस दिए गए थे उनके पहले मैं आपको आंसर्स मार्क करवा देता हूँ, बस उसके बाद हम डे थ्री के फिर क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन आपके पास था, पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। इसका बेटे चार ऑप्शन थी आपके पास, द आंसर इज डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर टू, पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड। इन तीनों ऑप्शन में एक एक पार्टनर आपके माइनर हैं। क्वेश्चन नंबर टू का भी आंसर क्या बनेगा, नन ऑफ दी। क्वेश्चन नंबर थ्री था, फॉर अ वैलिड पार्टनरशिप देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ लॉस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नन ऑफ दीज। द आंसर इज ए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर आता है, अ पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म, ऑप्शन ए फॉर कैरिंग ऑन अ बिजनेस, ऑप्शन बी फॉर कैरिंग ऑन अ प्रोफेशन, ऑप्शन सी फॉर कैरिंग ऑन आर चैरिटेबल एक्टिविटीज़, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यहाँ पे आंसर है सी, फॉर कैरिंग ऑन आर चैरिटेबल एक्टिविटीज़। नाउ द क्वेश्चन नंबर फाइव आपके पास था, बिजनेस ऑफ द फर्म मस्ट बी कैरिड ऑन बाय, ऑप्शन ए मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर ओनली, ऑप्शन बी ऑल ऑफ द पार्टनर, ऑप्शन सी ओनली वन ऑफ द पार्टनर्स ओनली। राइट आंसर इज डी, नन ऑफ दीज। तो ये हमने किए क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन नंबर डे टू के हमने फाइव क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए। किसी क्वेश्चन को अगर आप डिटेल में चाहते हैं, अभी तो हमने सिर्फ आपको आंसर्स बताए हैं, अगर आपने किसी क्वेश्चन को डिटेल में समझना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या आप हमें व्हाट्सएप या मैसेज कर देंगे, तो हम उस टॉपिक को डिटेल में आपको समझा देंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डे थ्री के क्वेश्चंस। तो डे थ्री के आपको, जैसे कि आपसे कहा गया था कि फाइव क्वेश्चंस आएंगे, तो फाइव एमसीक्यूज़ डे थ्री के, वो भी पार्टनरशिप बेस्ड थे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डे थ्री। क्वेश्चन नंबर वन, द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप इंक्लूड्स, ऑप्शन ए देयर मस्ट बी एन एसोसिएशन ऑफ थ्री और मोर पर्सन्स, ऑप्शन बी देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, ऑप्शन सी देयर मस्ट बी म्यूचुअल एजेंसी अमंग पार्टनर्स, ऑप्शन डी द रिलेशनशिप मस्ट बी रजिस्टर्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, अ फर्म इज द नेम ऑफ, ऑप्शन ए द पार्टनर्स, ऑप्शन बी द माइनर इन द फर्म, ऑप्शन सी द बिजनेस अंडर विच द फर्म कैरिड ऑन बिजनेस, ऑप्शन डी द कलेक्टिव नेम अंडर विच इट कैरी ऑन बिजनेस। क्वेश्चन नंबर थ्री है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज मैंशन इन, ए द पार्टनरशिप एक्ट, बी द जर्नल क्लॉजेज एक्ट, ऑप्शन सी द कंपनीज एक्ट, ऑप्शन डी द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर आता है, द पार्टनरशिप फॉर्म डज नॉट बिकम एन इलीगल एसोसिएशन व्हेन द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ बैंकिंग बिजनेस एक्सीड 10, ऑप्शन बी द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ नॉन बैंकिंग बिजनेस एक्सीड 10, ऑप्शन सी द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ बैंकिंग बिजनेस एक्सीड 20, एंड ऑप्शन डी द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ नॉन बैंकिंग बिजनेस एक्सीड 20। नाउ द क्वेश्चन नंबर फाइव, liability of a partner is, option A limited, option B unlimited, option C determined by court, and option D determined by partnership act। तो ये बच्चों आज के फाइव क्वेश्चन थे, आपको कल इसके आंसर्स मिल जाएंगे और नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन। तो आप सभी रिसर्च करें, इनके आंसर्स निकालें। थैंक यू।